Hi everyone, I'm Rakhi and today in this video I'm going to bring you with a new topic which is quantitative analysis. Friends, kuch videos pehle ya previous video mein we did qualitative analysis. So what is the difference between qualitative analysis and quantitative analysis? See, in qualitative analysis we did the detection of various elements present in the given compound, present in the given organic compound I should say. So now the quantitative analysis is the next step of qualitative analysis. In quantitative analysis, after the detection of the elements present in the organic compound, we calculate the percentage of each element present in the organic compound. So after doing qualitative analysis, that means after the detection of various elements present in the given organic compound, we do the quantitative analysis for measuring, for taking in account that how much percentage of particular element is present in the given organic compound. तो अगर दोबारा से मैं आपको हिंदी में समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पता कर लिया कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट अब हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया है, हमने डिटेक्ट कर लिया कि भाई नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या पता करना है कि कितने अमाउंट में वो पर्टिकुलर एलिमेंट, सपोज नाइट्रोजन हमने डिटेक्ट किया तो हमें पता करना है अब नेक्स्ट स्टेप में कि कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन या कितना परसेंटेज ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। Fine. So we'll be starting with the quantitative analysis in this video. Stay tuned to this video for learning about quantitative analysis, as because qualitative analysis and quantitative analysis both are very important from the view of your chemical laboratory, from the view of your chemical practicals. Fine. So now just bigger. Let's start with the quantitative analysis. General introduction. After detecting various elements present in the compound, the next step is to determine the percentage of each element. This is called as quantitative analysis. Qualitative में हम क्या करते हैं? Just the detection of elements. और quantitative में हम क्या करते हैं? We calculate the percentage amount of the elements present in the given organic compound. Fine. So moving on, first estimation किसका करेंगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन का। सपोज ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन डिटेक्शन हमने कर ली, अब हमें पता करना है कितना परसेंटेज कार्बन का और कितना परसेंटेज हाइड्रोजन का प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। नाउ प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इट इज, सी हम प्रिंसिपल क्या है इसका, A known mass of organic compound is heated strongly with excess of dry copper oxide in a current of dry air or oxygen which is free from carbon dioxide. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नोन मास लेंगे, हमें पता होगा हमने कितना मास लिया किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम नोन मास लेंगे और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर हम हीट करेंगे स्ट्रॉन्गली किसके साथ, विद एक्सेस ऑफ ड्राई कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो हम नॉन मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने लिया, उसको हमने स्ट्रॉन्गली हीट किया विद ड्राई कॉपर ऑक्साइड इन अ करंट ऑफ ड्राई एयर और ऑक्सीजन विच इज फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो सब हमने नॉन मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिया, उसको हमने हीट किया विद ड्राई कॉपर ऑक्साइड किसकी प्रेजेंस के अंदर, ड्राई एयर या ड्राई ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है, विच इज फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें कोई अमाउंट नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का, इट इज ओनली द ड्राई एयर और ऑक्सीजन जिसकी प्रेजेंस में हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को अच्छे से हीट किया विद ड्राई कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। Now under these condition, क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि हमने ड्राई ऑक्सीजन ले लिया है और हमने अपने कंपाउंड को एक्सेसिवली हीट किया है विद कॉपर ऑक्साइड, ड्राई कॉपर ऑक्साइड। सो अंडर दीज कंडीशन, जब हम ऐसी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब हमें पता है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन का प्रेजेंस है। तो अंडर दीज कंडीशन, कौन सी कंडीशन, ड्राई ऑक्सीजन वाली
और एक्सेसिवली इन ड्राई कॉपर ऑक्साइड में हमने अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया। सो अंडर दीज कंडीशन जो कार्बन प्रेजेंट होगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा वॉटर में। ठीक है, सो अंडर द कंडीशन ऑफ वॉट कंडीशन, दो कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी हीटिंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्सेसिवली इन ड्राई, we'll be heating our organic compound excessively with dry copper oxide. Second condition, in the presence of dry air or oxygen which is free from carbon dioxide. तो इस इन दो conditions के under क्या होगा, जो carbon present होगा organic compound में वो oxidize हो जाएगा carbon dioxide में, और जो hydrogen present है organic compound में वो oxidize हो जाएगा water में। ठीक है, so this is the reaction which will be going on, which will be in process while doing this reaction. So carbon which is from organic compound, अगर carbon present है organic compound से fine, उसको हमने react करवाया किसके साथ में, copper oxide के साथ में। ये dry copper oxide है, इसको heat किया किसकी presence में, dry oxygen या air के presence में जो free है carbon dioxide से। तो हमें carbon जो है उसका oxidized form मिला carbon dioxide plus copper। ठीक है, सो कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कॉपर ऑक्साइड हीटेड इन ड्राई एयर और ऑक्सीजन, वी गॉट द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अनदर प्रोडक्ट इज कॉपर। अब ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ हुआ, हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हमने हीट करवाया कॉपर ऑक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एयर और ऑक्सीजन, तो हमें ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मिला, दैट इज वॉटर H2O प्लस सी। ठीक है, सो दिस इज वॉट वी गॉट आफ्टर द रिएक्शन विद ड्राई कॉपर ऑक्साइड एंड ड्राई एयर और ऑक्सीजन विच इज फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, द जनरल इक्वेशन रिलेटेड टू दिस टेस्ट रिलेटेड टू दिस रिएक्शन इज, जनरल इक्वेशन रिलेटेड टू दिस केमिकल रिएक्शन इज CxHy, दैट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस जो ऑक्सीजन हमने लिया है ड्राई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या है ना, तो कितना अमाउंट x प्लस y/4 ऑफ द O2 which gives us x of the CO2 plus y/2 of the H2O. So this is the general reaction behind this reaction. जो हमने ये रिएक्शन करवाई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कॉपर ऑक्साइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई कॉपर ऑक्साइड, तो उसकी ये जनरल इक्वेशन है। डू लर्न दिस जनरल इक्वेशन, फाइन। अब क्या हो रहा है, जो वॉटर प्रोड्यूस हो रहा है इट इज एब्सॉर्ब्ड इन अ यूट्यूब कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और एनहाइड्रस मैग्नीशियम परक्लोरेट, वाइल जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है इट इज एब्सॉर्ब्ड इन द अनदर यूट्यूब जो कंटेन करते हैं स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप देखिए, अगर हमारे कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब हम कॉपर ऑक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यूट्यूब में जाएगा, इसका भी एक सेटअप है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो हम करते हैं उसका भी एक सेटअप है। तो उस सेटअप में दो यूट्यूब है, एक यूट्यूब के अंदर वी आर हैविंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम पर क्लोरेट, और दूसरी यूट्यूब में वी आर हैविंग स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म हो रहे हैं हमारे इस रिएक्शन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक यूट्यूब में गई और इट इज बिन एब्सॉर्ब्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फॉर्म हुई है इट इज बिन एब्सॉर्ब्ड इन द यूट्यूब, और उसको किसने एब्सॉर्ब किया, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, और जो हमारा वाटर फॉर्म हुआ है वो भी एक यूट्यूब में गया, और वाटर को किसने एब्सॉर्ब किया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ने या मैग्नीशियम परक्लोरेट में। सो इस तरह से प्रोसेस हो रहा है। आई बी नाउ शोइंग यू द इमेजेस द एपरेटस रिलेटेड टू द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जिससे आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि किस तरह से हम अपने सैंपल को हीट करते हैं विद कॉपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ऑक्सीजन और ड्राई एयर विच इज फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरह से यूट्यूब में जाते हैं एंड दे आर बीन एब्सॉर्ब बाय द कंपाउंड्स विच इज प्रेजेंट इन द यूट्यूब। आई विल बी शोइंग यू नाउ द इमेजेस रिलेटेड टू दैट। सो सी यू कैन नाउ सी द फुल इमेज ऑफ द एपरेटस रिगार्डिंग द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए, आई टोल्ड यू कि मेरे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है उसको मैं हीट करूंगी विद एक्सेस ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ड्राई कॉपर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ऑक्सीजन और एयर विच इज फ्री फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड।
तो देखिए यहाँ इस वाले पंप से आई एम गेटिंग प्योर ड्राई ऑक्सीजन, ये मेरा एक कम्बशन ट्यूब है, ये जो मेरी ट्यूब आप देख रहे हैं लॉन्ग सी, इट इज द कम्बशन ट्यूब, इसको हम कम्बशन ट्यूब बोलते हैं, यहाँ से प्योर ड्राई ऑक्सीजन पास ऑन हो रहा है इस कम्बशन ट्यूब में। अब देखिए जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो मेरा सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको मैंने प्लैटिनम बोट में रखा हुआ है, एक छोटा सा प्लैटिनम का बोट बनाया और उसमें मैंने ऑर्गेनिक सैंपल को रख दिया। यहां से मैंने व्हाट वी से बंसन बर्नर ऑन किया और अब आप देखिएगा कि इस कंबशन ट्यूब के अंदर ये प्लैटिनम बोट जो है ये मूव ऑन जब करेगी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे, तो ये CuO कॉपर ऑक्साइड की ये पैलेट्स हैं यहाँ आएंगी और इसकी प्रेजेंस के अंदर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी हीटेड। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस कॉपर ड्राई एक्सेस कॉपर ऑक्साइड और यहां से मैं प्योर ऑक्सीजन पास कर रही हूँ, तो यू कैन सी कि मेरा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पहले हीटअप हो रहा है किसके साथ में, ड्राई कॉपर ऑक्साइड के साथ में, वो भी किसकी प्रेजेंस में, प्योर ड्राई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब जब ये रिएक्शन होगा तो आपको पता है कि अगर इस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा और अगर इस कंपाउंड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो वाटर में चेंज होगा। अब यहां पर ये दो यूट्यूब्स हैं, ठीक है, ये दोनों यूट्यूब्स सीरीज में लगी हुई है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। फर्स्ट यूट्यूब है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड की, तो अगर इफ इन माय कंपाउंड हाइड्रोजन इज देयर सो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, तो वाटर जब मेरा आएगा एज अ प्रोडक्ट तो वो वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाली ट्यूब में। इफ इन माई कंपाउंड कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन तो ऑब्वियसली हर कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेरा एब्जॉर्ब होगा वो इस वाली यूट्यूब में एब्जॉर्ब होगा जिसमें मेरा स्ट्रॉन्ग KOH सॉल्यूशन है, दैट मीन स्ट्रॉन्ग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला सॉल्यूशन है। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्सपेरिमेंट गोज ऑन प्रोसीड्स ऑन। आपको बता दिया है कि यहाँ से प्योर ड्राई ऑक्सीजन हमें मिलेगा, दिस इज माई कम्बशन ट्यूब, दिस इज द सैंपल इन द प्लैटिनम बोट जो रिएक्ट करेगा कॉपर ऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ड्राई ऑक्सीजन, फॉर्म होंगे वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो इन दो यूट्यूब में एब्सॉर्ब हो जाएंगे। सो आई हैव शोन यू द इमेजेस कि किस तरह से हम अपने इस एक्सपेरिमेंट को फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कैरी आउट करते हैं। सी नाउ जो अब मैंने आपको बताया कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो यूट्यूब में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर जो एब्जॉर्ब होता है वो कौन सी वाली यूट्यूब में एब्जॉर्ब होता है, जिसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम परक्लोरेट है, और कार्बन डाइऑक्साइड उस यूट्यूब में जाके एब्जॉर्ब होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। सो द ट्यूब्स आर वेड, अब ध्यान रखिएगा हमें अगर एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन करना है तो जो ट्यूब्स है एक्सपेरिमेंट से पहले हम उन दो यूट्यूब्स को वे करेंगे जिसमें सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड और या मैग्नीशियम परक्लोरेट प्रेजेंट है, और दूसरे यूट्यूब को वे करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये सब हम पहले का वे करेंगे बिफोर कंबशन, बिफोर द एक्सपेरिमेंट गेट स्टार्टेड ऑन, हम इन दो यूट्यूब को इनिशियली वे कर लेंगे। ठीक है, तो जो मेरी ट्यूब्स हैं, यूट्यूब्स हैं, आर वेड बिफोर एंड आफ्टर कंबशन। ठीक है, अब जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा तो उस यूट्यूब के अंदर मेरे पास जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है, कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस और दूसरी में स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ KOH है, जैसे ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा तो ये दोनों यूट्यूब्स एब्जॉर्ब करने लग जाएंगी, एक तो एब्जॉर्ब करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को और एक यूट्यूब एब्जॉर्ब करेगी वाटर को। जैसे जैसे ये एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगी वैसे ही यूट्यूब का जो मास है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। सो द इंक्रीज इन द मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम परक्लोरेट यूट्यूब गिव्स द मास ऑफ द वाटर प्रोड्यूस्ड, व्हाइल द इंक्रीज इन द मास ऑफ KOH यूट्यूब गिव्स द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस। ठीक है, तो जैसे ही इन यूट्यूब में जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है या कैल्शियम क्लोराइड है और दूसरी ट्यूब में जो KOH है उनके मास जैसे जैसे इंक्रीज करने लगेंगे वैसे वैसे वी विल बी नोइंग द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड एंड वी विल बी नोइंग द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। सो हम इन यूट्यूब से मासेस का पता लगा लेंगे कि कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हुआ है और कितना मास वाटर का प्रोड्यूस हुआ है।
ठीक है, अब मास पता होने के बाद वी विल बी कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट विच इज बीन प्रोड्यूस्ड. सो हम उनकी परसेंटेज को अब कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूलाज. सो आई बी टेलिंग दैट कैलकुलेशन रिलेटिंग टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन माई नेक्स्ट वीडियो. सो डू वॉच दैट नेक्स्ट वीडियो फॉर कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज रिगार्डिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू नाउ द फुल इमेज और फुल एक्सपेरिमेंट कि हम किस तरह से इसको बहुत अच्छे से कैरी आउट करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, so just watch it on. So now I have told you already about the procedure which is taking place through this apparatus. कि हमारे इस प्लैटिनम बोर्ड में ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर ड्राई ऑक्सीजन और हमें मिलेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर तो इस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाली यूट्यूब में एब्सॉर्ब हो जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो KOH वाली यूट्यूब में जाके एब्सॉर्ब हो जाएगा. ठीक है, तो अब आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो दो यूट्यूब्स हैं जो सीरीज में लगी हुई हैं इनको बिफोर द एक्सपेरिमेंट गेट स्टार्टेड ऑन, एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट होने से पहले इन दोनों यूट्यूब्स को मैं वे कर लूंगी, जिसमें एक यूट्यूब में तो मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड है और दूसरी यूट्यूब में मेरे पास KOH सॉल्यूशन है. तो कैल्शियम क्लोराइड और KOH का जिसमें जो मेरा सॉल्यूशन है जो यूट्यूब है इनको मैं पहले इनिशियली वे ऑन कर दूंगी ताकि मुझे इनका मास पता चल जाए बिफोर द एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड ऑन, दैट मीन्स बिफोर द कंबशन टेक्स प्लेस. ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट हो जाएगा तो वाटर कैल्शियम क्लोराइड वाली यूट्यूब में एब्सॉर्ब होगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो KOH वाली यूट्यूब में जाके एब्सॉर्ब होगा. कंबशन खत्म होने के बाद फिर दोबारा से मैं इन दोनों यूट्यूब को वे करूंगी ताकि मुझे पता चल जाए कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितना कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मतलब जब मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड से हीट किया तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस हुआ है और कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है. अब इन मास ऑफ द वाटर से और मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड से आई विल बी कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो वो कैलकुलेशंस आई विल बी शोइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, तो अभी तक आप याद रखिएगा कि जो पूरा प्रोसीजर है वो इस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ऑन है, इस एक्सपेरिमेंट के बेस्ड से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे दी परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. वेल दैट्स इट फॉर मी नाउ एंड इट्स मी राखी सेइंग यू ऑल गुड बाय.